हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 5। डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें। डी ई एफ ये पहले बोले गए हैं ना, डी ई एफ उसके हिसाब से जो साइड बी सी सी ए और ए बी बोली गई हैं, तो ये उनके मिड पॉइंट्स हैं। रेस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है कि जो पहले बोला गया है उसके लिए पहली चीज़ है, यानी डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है सी ए का मिड पॉइंट है, और लास्ट में एफ बोला गया है तो एफ ए बी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में फिगर आपको खुद बनानी है। शो दैट, आपको शो करना है कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो बी डी ई एफ जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपको शो करना है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे। बी सी के ऊपर डी मिड पॉइंट बनाएंगे, ए सी के ऊपर ई मिड पॉइंट बनाएंगे, और ए बी के ऊपर एफ मिड पॉइंट बनाएंगे। फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ बी डी ई एफ आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसको पैरेललोग्राम शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम शो करने के लिए आपको इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना, बस इनको आप पैरेलल दिखा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। फिगर में देखें, ई और एफ ये मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के। जब ये मिड पॉइंट है तो एफ ई जो है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी। देयरफोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर आपकी दो साइड के मिड पॉइंट दे रखे हो तो उनसे ज्वाइन होने वाली जो लाइन होती है ना, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो देयरफोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि एफ ई पैरेलल होगा बी सी के। अब जब एफ ई बी सी के पैरेलल होगा तो एफ ई बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी डी इसका एक पार्ट ही तो है बी सी का। तो यहां से हमें मिल गया एफ ई इज पैरेलल टू बी डी। ये नंबर वन। अब एक पेयर को तो मैंने दिखा दिया कि पैरेलल हैं ये, दूसरे को भी हम इसी तरह दिखाएंगे। यहां डी और ई ये मिड पॉइंट है बी सी और ए सी के। नाउ ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ई किसका है ए सी का, एंड ये बी सी का है। तो यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। देयरफोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो डी ई है ये ए बी के पैरेलल होगा। अब जब डी ई ए बी के पैरेलल होगा तो डी ई बी एफ के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी एफ एक पार्ट है ए बी का। तो डी ई इज पैरेलल टू एफ बी। ये नंबर टू। अब नंबर वन से आपने ये दिखा दिया कि एफ ई पैरेलल है बी डी के, नंबर टू से ये दिखा दिया कि डी ई पैरेलल है एफ बी के, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। तो इन दोनों से हमने ये शो कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो फ्रॉम वन एंड टू बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये नंबर वन था। नंबर टू पे हमें दिखाना है कि डी ई एफ का जो एरिया है वो वन फोर्थ है ए बी सी का, यानी पूरे ट्राइंगल का वन फोर्थ है ये डी ई एफ का एरिया। अब जिस तरह से हमने बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम दिखा दिया है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे एफ ई सी डी पे, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा बिल्कुल उसी तरह से, और यहाँ पे एफ डी ई ए भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बार बार आपको ये सेम स्टेप्स नहीं लिखने की जरूरत है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन कर देते हैं। सेकंड पार्ट के लिए अब हम कर रहे हैं सिमिलरली।
जिस तरह ये हो गया इसी तरह से ये भी हो जाएंगे, एफ डी सी ई, एफ डी सी ई एंड डी ई ए एफ, आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स, बिल्कुल इसी तरह से। अब यहां पर फिगर में आपको तीन पैरेललोग्राम दिख रहे हैं। जब ये तीन पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगनल भी दिख रहा है। अब पहले वाले को देख लीजिए जो आपने यहां पे लिया है, बी डी ई एफ के अंदर जो एफ डी है ये डायगनल है, और डायगनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में बांट देता है। यहां पर ट्राइंगल बन रहा है डी ई एफ और एफ बी डी। जब ये इक्वल ट्राइंगल होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट तो इनका एरिया भी बराबर होगा। तब यहां से लिखेंगे हम एफ डी ई, ये एफ बी डी ले लेता हूं मैं पहले, एफ बी डी का जो एरिया है वो बराबर होगा डी ई एफ के। मैं डी ई एफ को ना राइट साइड में रखूंगा इसलिए इस वाले को मैंने लेफ्ट में लिया है। अब मैं यहां पे शिफ्ट होता हूं सेकंड वाले पैरेललोग्राम में जो कि डी ये एफ डी सी ई है, इसके अंदर इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा। तो डी ई सी को मैं लेफ्ट में रख लेता हूं, एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। इसी तरह से थर्ड पैरेललोग्राम में जो ऊपर बना हुआ है डी ई ए एफ, डी ई ए एफ के अंदर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एरिया में बराबर होंगे, तो इसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, ए एफ ई, एरिया ऑफ ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ध्यान देना कि मैंने हर बार डी ई एफ को राइट साइड में लिया है। अब ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से आपका एक रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे कि ये जो डी ई एफ है ना, ये एफ बी डी के भी बराबर है, ये डी ई सी के भी बराबर है, और ये एफ ए एफ ई के भी बराबर है। यानी ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों आपस में बराबर है। तो देयरफॉर डी ई एफ एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ बी डी, और डी ई एफ ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। और डी ई एफ इज इक्वल टू ए एफ ई। ये जो तीन पार्ट आए हैं इनसे हमने ये दिखा दिया कि जो चारों ट्राइंगल है ना, इन चारों का जो एरिया है वो आपस में बराबर है। अब बराबर है तो डी ई एफ ये चार हो गए ना, और चारों मिलके क्या बन रहा है, एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो जो एक पार्ट है ये 1/4 ही तो होगा। तो यहां से हमको इंप्लाई मिल जाएगा ये कि देयरफॉर एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल, ये क्या है, ए बी सी। तो सेकंड में मैंने दिखा दिया कि जो डी ई एफ है वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 है एरिया में। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड में दिखाना है कि जो बी डी ई एफ है, यानी बी डी ई एफ, ये ए बी सी का हाफ है। अब ए बी सी का हाफ है तो यहां से लिखते हैं एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू, ये जो आया ना सेकंड में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को हम यूज कर लेंगे। यहां पे ये 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी है, और बी डी ई एफ बन रहा है 2 times ऑफ डी ई एफ। बी डी ई, बी डी ई एफ ये डबल है ना, डी ई एफ का डबल है, और डी ई एफ यहां पर क्या है, हाफ 1/4, 1/4, या मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं कि ये डबल है एरिया ऑफ डी ई एफ। ये अच्छा समझ में आएगा, ये जो बी डी ई एफ है ये डबल है डी ई एफ का, पहले ये लिख लिया। अब 2 के आगे डी ई एफ की वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 से, और ये क्या है, 1/4 एरिया ए बी सी का। जब 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 एरिया ए बी सी। ये आपका थर्ड रिजल्ट है। तो क्वेश्चन सॉल्व।
इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।